नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सिंपल मार्ग में। दोस्तों, अगर आप हमारे WhatsApp ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, वहां जाकर आप हमारे WhatsApp ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। नर्मदे हर। दोस्तों, अगर आपने पिछली कड़ियां नहीं सुनी है तो डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक दिए गए हैं, आप उन्हें जरूर सुने। दोस्तों, हमारे सिंपल मार्ग परिवार का व्हाट्सएप ग्रुप अपनी सदस्यता सीमा को पार कर चुका है, तो नए सदस्यों के लिए मैंने दूसरा ग्रुप सिंपल मार्ग 2 बनाया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहां से हमारे सिंपल मार्ग परिवार से जुड़ सकते हैं। पूज्य श्री तीर्थाटन करते करते नारेश्वर स्थान में आए। ग्रीष्म ऋतु के दिन थे। माँ वसुंधरा सूर्यदेव की क्रोधाग्नि की ज्वाला में तप कर अंगारे की पाती दहक रही थी। वृक्षों से गिरे सूखे पत्तों से आश्रम का आंगन भरा पड़ा था। एक नज़र से ही लगता था कि बहुत समय से यहाँ पर किसी ने अपने शरण नहीं रखे हैं। पूज्य श्री ने मुस्कुराते हुए मन ही मन कहा, आश्रम की किसे पड़ी है, सबको बाबा के चमत्कारों से मतलब है। पैरों में चप्पल या जूते अब भी नहीं थे। तपती धरती पर चलते हुए पूज्य श्री कुटीर के पास पहुंचे। कुटीर के बाहर अपना सामान रख माँ नर्मदा को प्रणाम कर नारेश्वर महादेव के दर्शन करने मंदिर में गए। नारेश्वर दादा के दर्शन कर वापस कुटीर के पास आए एवं कुटीर के दरवाजे की कुंडी खोल अंदर गए। बहुत समय से बंद पड़ी कुटीर में आकर पूज्य श्री ने बिखरे बर्तन को एक तरफ किए तथा हाथ में झाड़ू लेकर सफाई करने लगे। तभी पूज्य श्री की नज़र कोने में आराम फरमा रहे नाग देवता पर पड़ी। पूज्य श्री एक डंडा और सिमटा उठा लाए, डंडे से सांप का मुंह दबाया और फिर सिमटे से पकड़ लिया। एक हाथ में सांप की पूछ पकड़ी और दूसरे हाथ से सिमटा इस तरह पकड़कर दूर झाड़ियों में सांप को छोड़ आए। वापस आकर कुटीर की सफाई कर कुर्सी लगाकर नीम के नीचे आसन लगाकर बैठ गए। थोड़ी ही देर में गांव में खबर हो गई कि बाबजी पधारे हैं। शाम होते होते फिर से नारेश्वर स्थान पूर्व की भांति आने वाले भक्तों से भर गया। नारेश्वर के पास मिंडोल नाम का गांव है। वहां पर प्रभाशंकर नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। वह पूज्य श्री से काफी प्रभावित हुए। एक दिन पूज्य श्री के शरणों में दंडवत होकर बोले, बाबजी मुझे अपनी सत्र साया में जगह दो। पूज्य श्री ने उनकी ओर देखा मगर कोई जवाब नहीं दिया, तो प्रभाशंकर ने आंखों से बहते आंसू को पोंछते हुए फिर से कहा, बाबजी मुझे आपकी सेवा का अवसर प्रदान करें। पूज्य श्री ने कहा, ब्राह्मण देव मेरे साथ रहने में आपको बहुत सारे कष्टों को सहना पड़ेगा। अति शुद्ध आचार विचारों के साथ सुस्त नियमों का पालन करना पड़ेगा, होगा क्या आपसे? प्रभाशंकर जी हाथ जोड़कर बोले, मुझे सब मंजूर है प्रभु। पूज्य श्री ने प्रभाशंकर जी के कंधे पर हाथ रख कहा, तो फिर आ जाओ। जरूरी सामान के साथ प्रभाशंकर जी पूज्य श्री की सेवा में उपस्थित हो गए। वह सदैव ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे उठ जाते, शौच मुख मार्जन के बाद रेवा स्नान को जाते, स्नान के बाद पूज्य श्री के लिए पानी भरकर लाते, बाद में भोजन प्रसाद बनाते एवं पूज्य श्री के भोजन करने के उपरांत ही स्वयं भोजन करते, पूज्य श्री की हर प्रकार से सेवा करते एवं जब पूज्य श्री कहीं बाहर जाते तो उनके साथ रहते। एक बार प्रभाशंकर जी के गांव मिंडोल के एक सज्जन विठल भाई पटेल एक खतरनाक प्रेत के शकंजे में फंस गए। वह पागलों की तरह हरकतें करते, कपड़े फाड़ते, लोगों को पत्थर मारते, हर समय कुछ ना कुछ बड़बड़ाते रहते। परिवार के सदस्यों ने बहुत झाड़ फूक मन्नतें करवाई पर विठल भाई का पागलपन ठीक होने की बजाय और अधिक उग्र हो रहा था, जिस कारण उनको बांध कर रखना पड़ता। एक दिन प्रभाशंकर जी
किसी काम से अपने गांव मिंडोल पहुंचे तो उन्हें किसी ने विट्ठल भाई पटेल की बीमारी से अवगत करवाया। प्रभा शंकर जी ने विट्ठल भाई के पुत्र को उन्हें नारेश्वर लेकर आने की सूचना दी। दूसरे दिन विट्ठल भाई पटेल को लेकर उनके पुत्र गोवर्धन भाई पटेल और कुछ ग्रामीण बैलगाड़ी में बांधकर नारेश्वर लेकर आए। सभी ने बंदी हुई अवस्था में ही विट्ठल भाई को रेवा स्नान करवाकर आश्रम में ले आए। पूज्य श्री नीम के नीचे कुर्सी लगाकर बैठे थे। वे सभी विट्ठल भाई को पकड़कर पूज्य श्री के सामने लेकर आए। विट्ठल भाई की क्रोध से हुई लाल आंखें और विकृत सा हो चुका चेहरा किसी को भी डरा देने के लिए काफी था। वह अपने बंधन की रस्सियों को तोड़ने का पूरा प्रयास कर रहे थे। आसपास साथ में आए 7-8 युवक खड़े थे। पूज्य श्री ने एक नज़र विट्ठल भाई को देखा और बोले, छोड़ दो इसे। सभी आगंतुक एक दूसरे का मुंह ताकने लगे तो दोबारा पूज्य श्री अधिकार वाणी से बोले, खोल दो इसके बंधन। तभी विट्ठल भाई के पुत्र गोवर्धन भाई बोले, बाप जी इनको छोड़ दिया तो कहीं भाग जाएंगे या फिर किसी को मार भी देंगे। इन्हें दोबारा पकड़ पाना बहुत ही मुश्किल होगा और अगर नर्मदा में कूद गए तो पता नहीं क्या होगा, राम ही जाने। पूज्य श्री ने गोवर्धन भाई की तरफ देखा और बोले, मुझे पता है क्या होगा, मैं कह रहा हूँ खोल दो इसे, देखता हूँ कैसे भागता है। गोवर्धन भाई और उनके साथी डरते डरते विट्ठल भाई के बंधन की रस्सियाँ खोलने लगे। अभी पूरी तरह से खोल भी नहीं पाए थे कि विट्ठल भाई छलांग लगाकर नर्मदा जी की तरफ भागे। तभी कड़क कर पूज्य श्री ने आदेश दिया, रुक जा, वही के वही रुक जा। और दूसरे ही पल जैसे किसी ने विट्ठल भाई के पैरों को भूमि पर चिपका दिया हो, इस तरह अपनी जगह पर स्थिर हो गए। थोड़े समय पूर्व जो व्यक्ति शेर की तरह दहाड़े मार रहा था, उस व्यक्ति की मुखाकृति अब डरी सहमी बिल्ली के जैसी हो रही थी। विट्ठल भाई दयनीय अवस्था में पूज्य श्री की ओर देख रहे थे। पूज्य श्री गोवर्धन भाई की तरफ देखकर बोले, गोवर्धन इसे कुटीर की प्रदक्षिणा करवा और संध्या तक करवाता जा, और हाँ गिनने की जरूरत नहीं है। देर तक गोवर्धन भाई के साथ विट्ठल भाई कुटीर की प्रदक्षिणा करते रहे और फिर दौड़कर पूज्य श्री के कदमों में गिर प्रणाम कर पूज्य श्री का आभार व्यक्त करने लगे। अब विट्ठल भाई पटेल पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके थे। उसी दिन से पवित्र कुटीर की परिक्रमा करने की प्रथा भक्तों द्वारा शुरू की गई। कहाणा गांव के एक पटेल की स्त्री को प्रेत बाधा हुई। उसे बार बार पागलपन के दौरे पड़ने लगे। विट्ठल भाई की बात अड़ोस पड़ोस के गांवों में फैल चुकी थी तो उस महिला को लेकर परिवार के सदस्य नारेश्वर पहुंचे। रेवा स्नान करवा कर उस महिला को पूज्य श्री के सामने उपस्थित किया। वह महिला वहां पर जोर जोर से चिल्लाने लगी। पूज्य श्री कुछ नहीं बोले, सिर्फ उसकी हरकतों को देखते रहे। थोड़ी देर बाद वह महिला सीख कर बेहोश हो गई एवं कुछ समय पश्चात होश में आई तो वह पूरी तरह से स्वस्थ थी। राजपीपला के एक ब्राह्मण चिंतामणि प्रसाद रेलवे विभाग में स्टेशन मास्टर के पद पर मालोद गांव के रेलवे स्टेशन पर कार्यरत थे। वह महादेव के भक्त थे, साथ ही साधु संतों के प्रति उनके मन में अपार श्रद्धा थी। एक बार पूज्य श्री धर्मपुर से वापस नारेश्वर आ रहे थे तो मालोद स्टेशन पर गाड़ी से उतरे। चिंतामणि प्रसाद ने दूर से आते पूज्य श्री को देखा तो उनके मन में पूज्य श्री के प्रति भक्ति भाव उत्पन्न हुआ। ऑफिस में जाकर कुर्सी उठा लाए और जैसे ही पूज्य श्री पास पहुंचे हाथ जोड़ प्रणाम किया एवं आदर सहित कुर्सी पर आसन जमाने का निवेदन किया। पूज्य श्री ने कुर्सी पर अपनी कंबल रख उस पर बैठ गए और चिंतामणि प्रसाद की तरफ देखकर बोले, कहाँ के हो मास्टर? बाप जी राजपीपला का हूँ, चिंतामणि नाम है और जाति से ब्राह्मण हूँ, अभी नया नया यहाँ पर काम पर लगा हूँ। थोड़ी देर इधर उधर की बात कर पूज्य श्री ने नारेश्वर की ओर अपने कदम बढ़ाए। जाते जाते चिंतामणि प्रसाद से कहते गए, मास्टर
कभी समय मिले तो नारेश्वर की तरफ आओ। जी बाप जी, जरूर, चिंतामणि बोले। एक दिन चिंतामणि नारेश्वर पूज्य श्री के पास पहुँचे। पूज्य श्री के दर्शन कर अत्यंत ही भाव विभोर हो गए। चिंतामणि प्रसाद की धर्मपत्नी कपिला बहन को क्षय रोग हो रखा था। उस समय में क्षय रोग लाइलाज रोग हुआ करता था। डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे। कपिला बहन मृत्युशैया पर पड़ी अपने अंतिम समय का इंतजार कर रही थी। चिंतामणि प्रसाद को हुआ कि एक बार कपिला को पूज्य श्री के दर्शन हेतु नारेश्वर लेकर आऊं तो उसे भी संत दर्शन का पुण्य प्राप्त हो सके। तो वह राजपीपला जाकर अपनी पत्नी कपिला बहन को नारेश्वर ले आए। पूज्य श्री नीम के नीचे आसन लगाकर बैठे थे। आसपास कुछ भक्त बैठे थे। चिंतामणि जी कपड़े की झोली में सुलाकर कपिला बहन को लेकर आए थे। धीरे से उनको पूज्य श्री के सामने रखा, सहारा देकर उन्हें बैठाया। पूज्य श्री ने कपिला बहन को देखा तथा अपने कमंडल से थोड़ा जल पीने को दिया। जल पीने के बाद कपिला बहन में थोड़ी स्फूर्ति आने लगी। कपिला बहन, कुटीर की प्रदक्षिणा करो, पूज्य श्री ने कहा। प्रदक्षिणा का नाम सुनकर चिंतामणि प्रसाद को चिंता हुई। वह पूज्य श्री की तरफ देखने लगे, क्योंकि जो औरत बिना सहारे के बैठ नहीं सकती वो परिक्रमा कैसे करेंगी। मगर तभी चिंतामणि प्रसाद को आश्चर्य चकित करते कपिला बहन उठकर खड़ी हुई। चिंतामणि जी ने सहारा देने के लिए कपिला बहन का हाथ पकड़ना चाहा, तभी इशारे से पूज्य श्री ने उनको दूर रहने को कहा। धीरे धीरे कपिला बहन ने कुटीर की 3 बार परिक्रमा की और पूज्य श्री के सामने आकर अपने लकड़ी जैसे हो चुके हाथों से प्रणाम कर बैठ गई। पूज्य श्री ने ओम का उच्चारण कर आशीर्वाद दिया और बोले, कपिला बहन, पढ़ना तो आता है? हाँ बाप जी। तो ये लो, प्रतिदिन स्नान कर वासुदेवानंद नाम सुधा का पाठ करो, सब मंगल होगा। और फिर कुछ समय पश्चात कपिला बहन पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गई। एक दिन पूज्य श्री को नड़ियाद जाना था तो वह मालोद स्टेशन पर पहुंचे। स्टेशन पर चिंतामणि प्रसाद और कपिला बहन ने आकर पूज्य श्री के लिए कुर्सी रखी और उनके समीप बैठ गए, शरण स्पर्श कर आशीर्वाद लिया। पूज्य श्री ने कहा, चिंतामणि, तुम्हारे भाग्य में दुख भोगना लिखा है, इसीलिए मुझे बाहर जाना पड़ रहा है। मगर तुम चिंता मत करना, घबराना नहीं, चाहे जो हो किसी भी परिस्थिति में नियमित पाठ करना जारी रखना। अगर कपिला को मूर्ति आ भी गई तो भी मैं वापस आकर उसे पुनः जीवित कर दूंगा, मगर तुम धीरज रखना। इतने में गाड़ी आ गई। पूज्य श्री गाड़ी में बैठे और गाड़ी चल पड़ी। चिंतामणि प्रसाद के अंतर मन में हजारों सवाल उठ रहे थे, बाप जी ने ऐसा क्यों कहा, जबकि कपिला तो पूरी तरह स्वस्थ है। थोड़ी घबराहट होने लगी, मगर ये सोच मन को शांत रखा कि जो भी हो बाप जी सब ठीक करेंगे। उसी रात कपिला बहन का स्वास्थ्य फिर से खराब हुआ। उल्टियाँ होने लगी, बैठने की भी शक्ति शरीर में शेष नहीं रही। चिंतामणि प्रसाद को तुरंत ही पूज्य श्री के कहे शब्द याद आए, चिंता मत करना। उन्होंने मन में गांठ बांध ली कि हमारा बाल भी बाका होने वाला नहीं है, हमारे सर पर समर्थ स्वामी का हाथ है। निरंतर वासुदेवानंद नाम सुधा का पाठ जारी रखा। कपिला बहन बैठकर पढ़ ना पाए तो चिंतामणि प्रसाद उन्हें पढ़कर सुनाते। एक दिन प्रातः बेला में स्वप्न में आकर पूज्य श्री ने चिंतामणि से कहा, मास्टर, चिंता मत करो, कपिला की तबीयत मेरे ध्यान में है, मैं कल आ रहा हूँ। दूसरे दिन पूज्य श्री मालोद स्टेशन पर गाड़ी से उतरे। चिंतामणि ने पूज्य श्री को देखा तो उनके सर से चिंता का जैसे बोझ उतर गया। वह दौड़कर पूज्य श्री के शरणों में गिर पड़े और पूज्य श्री को अपने साथ अपने घर ले गए। पूज्य श्री घर के बाहर कुर्सी पर बैठे। चिंतामणि
कपिला बेन को सहारा देकर बाहर लाए। कपिला बेन ने बाहर आकर पूज्य श्री को प्रणाम किया। पूज्य श्री ने कपिला बेन को कहा, कपिला बेन, मैं आ गया हूँ, अब चिंता मत करना, काल को भी भगा दूंगा। फिर चिंतामणि की तरफ देखकर बोले, मास्टर, कल तुम इन्हें लेकर नारेश्वर आओ। और इतना कहकर पूज्य श्री नारेश्वर के रास्ते निकल पड़े। दूसरे दिन कपिला बेन की तबीयत ज़्यादा बिगड़ी तो बैलगाड़ी में बैठा कर उन्हें तत्कालीन नारेश्वर ले गए और महामुश्किल से उन्हें पूज्य श्री के सामने बैठाया। पूज्य श्री ने अपने कमंडल से थोड़ा पानी पिलाया तथा कुटीर की प्रदक्षिणा करने को कहा। जैसे तैसे कपिला बेन ने प्रदक्षिणा की और पूज्य श्री के सामने आकर बैठ गई। पूज्य श्री ने दास काका को बुलाकर कहा, दास काका, कपिला बेन कुछ दिनों तक आश्रम में रहेंगी, मूली बेन को कहो इनका ध्यान रखे। जी बाबजी, कहकर दास काका ने मूली बेन को बुलाकर कपिला बेन के रहने की व्यवस्था की। धीरे धीरे कपिला बेन का स्वास्थ्य सुधरने लगा। आसोवध अष्टमी के दिन आई कपिला बेन दिवाली के दिन पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर अपने पति चिंतामणि प्रसाद के साथ घर गई। दूसरे वर्ष पूज्य श्री की असीम कृपा से कपिला बेन और चिंतामणि के घर एक सुंदर स्वस्थ बालक ने जन्म लिया। दोस्तों, आगे का वृत्तांत आने वाले एपिसोड में। नर्मदे हर। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नर्मदे हर।